हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट क्लास 9th. सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर वीडियो. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 विच इज सॉल्यूशन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे. अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो आपका ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा फॉर योर एग्जाम. चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसका मतलब ये है कि अगर कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो वो यहीं से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट डिस्कस द चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सबसे पहले तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने केवल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही लिए हैं इस चैप्टर से. जो भी आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जैसे कि रॉल्ट लॉ हो गया, हेनरी लॉ हो गया, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन एंड सो मोर, मैंने इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नहीं लिए हैं. अगर आप चाहते हो कि मैं न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनाऊँ तो आई विल अपलोड, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. सो लेट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1. डिफाइन मोलारिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी. आपको इन तीनों टर्म्स को डिफाइन करना है, मोलारिटी को भी, मोलैलिटी को भी, नॉर्मेलिटी को भी. क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन. आपको बताना है कि हेनरी लॉ क्या है और आपको उसका इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो है, जैसे कि सोडा के बॉटल में उसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, फिर सी डाइविंग में, हमारे लंग्स के रेस्पिरेशन सिस्टम में, तो ये सब आपको इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी बताने हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज आपको रोल्ट लॉ को बताना है, स्टेट रोल्ट्स लॉ एंड फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड. मतलब क्या रोल है रोल्ट लॉ का फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड में, वो ही आपको यहाँ पे बताना है. क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि क्या डिफरेंस है आइडियल सॉल्यूशन में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो आप ये करके जाइएगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपको, कि एक्सप्लेन करो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये भी आपको आ सकता है. ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है आपका, उसमें आपको ये सब आंसर मिल जाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन डेविएशन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ रियल सॉल्यूशन फ्रॉम रोल्ट्स लॉ. आपको एक्सप्लेन करना है डेविएशन को, मतलब जो पॉजिटिव डेविएशन है और जो नेगेटिव डेविएशन है आपको रोल्ट्स लॉ में, उसको भी डिफाइन करना है या एक्सप्लेन करना है उसके ग्राफ्स के साथ, ठीक है, ग्राफ्स भी करना, और उसके जो एग्जाम्पल्स है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का, और भी बहुत सारे इथेनॉल के साथ, तो आपको वो भी एग्जाम्पल भी करने हैं, पूरा एक्सप्लेन करना है. मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा अच्छे से करना है. फिर डिफाइन करने को आ सकता है आपको कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में डिफाइन करना है. और फिर क्वेश्चन नंबर 8 मैंने जोड़ा है कि आ सकता है आपको, मैंने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो बहुत जगह ये भी पूछा था, डिफाइन एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप क्या होता है, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, और वेंट हॉफ फैक्टर के साथ, उसका वेंट हॉफ फैक्टर मतलब जो आई है आपको उसको भी एक्सप्लेन करना है. अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसको की अलग से वीडियो इसकी आंसर शीट भी अपलोड कर दूंगा. सो ये थे आपके 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से. आई होप कि तुमको ये सारे 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगे होंगे. मैंने कोशिश करी कि पूरे चैप्टर को लगभग इस 8 क्वेश्चन में कवर कर दूँ. पूरा चैप्टर से जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का आएगा या 2 मार्क्स का आएगा तो इन क्वेश्चंस में से आएगा. अगर हो सकता है न्यूमेरिकल आए तो उसकी वीडियो फिर अलग से मैं अपलोड कर दूंगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, इट मोटिवेट्स अस फॉर मेकिंग वीडियोज. थैंक यू सो मच.